हेलो फ्रेंड्स, तो यार अब रोज ही कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चीजें बाहर आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड, सिवाय उसके सेकंड ट्रेलर के। उसके अलावा सब कुछ देखने को मिल रहा है यार। और उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए कल एक और डिस्क्रिप्शन लीक हुआ, जिसे बाद में कंफर्म भी कर दिया गया है लीकर की तरफ से। और इस लीक में हमें तीनों स्पाइडरमैन और विलेंस के कॉस्ट्यूम्स के बारे में बताया गया है। तो यार सारी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हो तो मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यार जाकर देख लेना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टोबी मैग्वायर के सूट के बारे में बताया गया है कि नो वे होम में उनका सूट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि वो सैम रेमी के ट्रिलॉजी में था। मतलब कि जो बनावट और डिजाइनिंग थी उस सूट की, वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। बस थोड़ा सा सूट की लाइटिंग को बढ़ाया गया है ताकि वो आज के हिसाब से अट्रैक्टिव लग सके। एंड यार आई पर्सनली थिंक कि यहाँ सोनी और मार्वल ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है टोबी मैग्वायर के सूट के फॉर्मेट को ना चेंज करके, जिससे ये समझ आता है कि प्रोडक्शन हाउसेस भी ऑडियंस के नॉस्टैल्जिया वाले फीलिंग को अच्छे से समझते हैं और लोगों को वही देना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। बात करें एंड्रू गारफील्ड की, तो उनका सूट भी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाला ही होने वाला है, जिसे भी एज इट इज वैसा ही रखा गया है। एंड दोस्तों, कुछ दिन पहले जो एंड्रू गारफील्ड का एक वीडियो लीक हुआ था, उसमें हम उस सूट को देख भी सकते हैं। एंड यस, अगर इस लीक को हम उस लीक्ड वीडियो से कंपेयर करें तो दोनों ही केसेस में हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाला सूट ही नजर आता है। एंड अगेन, यही वाला सूट मुझे पसंद भी आया था, फर्स्ट पार्ट वाला सूट उतना खास अच्छा नहीं लगा था मुझे। तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्रीन गोब्लिन के सूट की, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो यार यहाँ ग्रीन गोब्लिन के सूट को मार्वल ने कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाया है। तो दोस्तों इस पिक्चर में जो आप गोब्लिन देख रहे हैं, कुछ इसी तरह का लुक विलियम डेफो का नो वे होम में होने वाला है, जैसे कि पर्पल कलर की एक ऐसी टोपी होगी, आर्म ग्लव्स होंगे और बॉम्ब्स को रखने के लिए एक ऐसा वाला बैग भी होगा। लेकिन जो उनका स्किन का कलर होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने स्पाइडरमैन 1 मूवी में देखा था। लेकिन यहाँ एक छोटा सा चेंज और किया गया है उनके पैरों के पास। अब यार कॉमिक्स में तो गॉब्लिन अपने पैरों में भी पर्पल कलर के ही मोजे पहनता है अपने ग्लव्स और स्कार्फ की तरह, लेकिन नो वे होम में यहाँ इन सॉक्स की जगह गोल्ड प्लेटेड आर्मर्स लगे होंगे, जिससे एक्चुअली उनका जो लुक होगा वो यार और भी दमदार होगा। एंड दोस्तों आई थिंक कि ये लीक बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने मेरी इस वाली वीडियो को देखा होगा तो इस लीक में भी मैंने यही बताया था कि ग्रीन गॉब्लिन के पास उसका सूट तो होगा लेकिन उसका हेलमेट उसके पास नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन एमसीयू के यूनिवर्स में तब टेलीपोर्ट होगा जब स्पाइडरमैन 1 में वो ग्लाइडर उसे लगने वाला था। और उस वक्त अगर आपको याद होगा तो ग्रीन गॉब्लिन के पास उसका हेलमेट नहीं था। तो यार इन दोनों ही लीक्स में सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं और एक प्रॉपर रीजन भी समझ आ रहा है ग्रीन गॉब्लिन के लुक्स को चेंज करने का, क्योंकि यार अब हेलमेट ही नहीं रहेगा उसके पास तो दूसरा तो बनाएगा ही ना, और दूसरा हेलमेट बनाएगा तो यार कुछ ना कुछ एडवांस तो करेगा ही उसमें। खैर दोस्तों, अगर आप उस लीक वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, लेकिन यार अपने खुद के रिस्क पे देखना, क्योंकि वो वीडियो आपके मूवी के एक्सपीरियंस को काफी हद तक स्पॉइल कर सकता है। तो दोस्तों ये 3 लीक्स आई थी टोबी, एंड्रू और विलियम डेफो के सूट्स को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस है इस मूवी में, जैसे कि टॉम हॉलैंड के भी 3-4 सूट्स बदलने वाले हैं इस मूवी में, लेकिन क्यों बदलने वाले हैं उसका कोई कंफर्म्ड रीजन नहीं बताया गया है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रो को भी इस मूवी में कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाया गया है, मतलब कि अब वो ब्लू नहीं रहा बल्कि ग्रीन और येलो कलर में बदल गया है, जिसे मैंने अपनी लीक वीडियो में ट्रेलर आने से 1 महीने पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रो इस मूवी में येलो कलर का होने वाला है, और टीजर ट्रेलर में ये चीजें कंफर्म भी कर दी गई हैं। और उसके अलावा डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को भी रेडिश दिखाया गया है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही कर दी थी, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। बाकी और दूसरे विलेंस में भी शायद थोड़े बहुत चेंजेस किए गए होंगे, बट उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर उनके बारे में भी मुझे कुछ पता चलता है फ्यूचर में तो मैं आप लोगों को अपने वीडियोस के थ्रू जरूर बता दूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।